भूमाफियों से पीड़ित लोगों के लिए अब जल्द ही प्रशासन कॉलोनियों की नई वैधता सूची प्रकाशित की है। इसमें दावे आपत्ति भी आ रही है। अब तक 8 संसदाओं के 450 से ज्यादा आपत्तियां इंदौर जिला प्रशासन के पास आ चुकी हैं। इंदौर शहर में 8 बड़ी सहकारी संस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से लोगों को प्लॉट देने के नाम पर धोखाधड़ी की सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। लोगों से पैसे तो जमा करा लिए गए, लेकिन उन्हें आज तक प्लॉट नहीं मिला या उनकी रजिस्ट्री का इंतजार उन्हें 20 से 30 साल बाद आज भी है। ऐसी संस्थाओं में जागृति, वेदमाता, गायत्री, नंदग्रह, जन कल्याण आदि के नाम प्रमुखता से आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने संस्थाओं के पीड़ितों के लिए दावे आपत्ति के लिए 20 मार्च तक का समय निश्चित किया है। इसके बाद सहकारिता के नियम अनुसार नई सूची बनाकर प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। और एक दो लोग बढ़ा लो, एक टेबल और दे दो इनको। हाँ, ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम और दो चार लिस्ट रखो, एक दो और फोटो कॉपी लोग जल्दी देख दा के एक ही रखो। देखिए, अभी ये जो 9 संस्थाओं की अपन ने सूची जारी की थी, जो उनकी बनी हुई सूची थी, उसमें वही सूची जारी की थी ताकि जो भी लोगों को उसमें आपत्तियां हैं वो उसमें आपत्ति दे देंगे तो उनका निराकरण कर दिया जाएगा। तो अभी तक जागृति गृह निर्माण में सबसे ज़्यादा आई हैं, उसमें 196 अभी तक आ चुकी हैं, रोज 40-50 के लगभग उसमें शिकायतें आ रही हैं। वेदमाता गायत्री में अभी तक 80 शिकायतें आ चुकी हैं। नंदग्रह में 69 आ चुकी हैं। सेंट्रल ऑफिसर्स गृह निर्माण समिति में 7, क्लासिक गृह निर्माण में 18 और जन कल्याण में 53 और शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण में 4 और आदर्श मैकेनिक में 7। इस तरह 8 संस्थाओं की लगभग 434 आपत्तियां भी आ चुकी हैं, जिनमें मुख्यतः इस तरह की हैं कि किसी को कब्जा नहीं मिला है, किसी का सूची में नाम नहीं है, रसीदें हैं किसी के पास, रसीदें हैं पर रजिस्ट्री नहीं है, किसी का सूची में नाम शामिल नहीं है, है ना, किसी को आवंटन नहीं होना बताया गया है, कुछ नाम जोड़ने के लिए बताया है, कुछ लोग जो मृत हो गए उनके उत्तराधिकारी उन्होंने अपना बताया है, कुछ गलत पता जो हुए हैं उनमें सही पता करने के लिए, है ना, किसी ने राशि कम जमा होना बताया है, इस तरह की शिकायतें। सर, वरीयता सूची जो हम दिखा रहे हैं उसके ऊपर आपत्ति कितनी आई है, कुछ है क्या इसको रखा है हमने? ये उसी की आपत्तियाँ हैं, नाम जुड़े हुए हैं, ये वो जो सूची अपन ने प्रकाशित की है उसी के अगेंस्ट है सारी आपत्ति। सर, कब तक हम आपत्तियां लेंगे और उसके बाद निराकरण की क्या प्रक्रिया है? देखिए, हम लोगों ने कहा है कि जो सहकारिता विभाग के अधिकारी हैं वो सहकारिता अधिनियम के तहत इन आपत्तियों का निराकरण करते जाएं साथ साथ, जैसे जैसे आपत्ति आ रही हैं, और 20 तारीख तक ज़्यादातर की निराकरण करके फाइनल सूची दें। उसके बाद फाइनल सूची प्रकाशन करके और फिर हम आवंटन की प्रक्रिया में। हाँ, सीमा क्या है, हमने कितनी तारीख तय करी है, लोग कब तक आपत्ति? नहीं, देखिए 20 तक सब लोग ज़्यादातर में जिस तारीख को भी हुआ है उसमें 10-15 दिन का समय दिया गया है, तो ज़्यादातर का टाइम 20 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा, तभी हम लोग एक आध हफ्ते में उसमें और कार्रवाई करके मार्च एंड में उनका फाइनलाइजेशन कर पाएंगे।